देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आरजे न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वहीं शहर में एक ओर जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, मेडिकल स्टोर जैसी अति आवश्यक दुकानों को छोड़कर किराना सहित अन्य सभी प्रकार की दुकानें नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा क्षेत्र में ऑड इवन पैटर्न पर सप्ताह में अल्टरनेट तीन तीन दिन सामान्य समय में खोली जा रही है। लेकिन पवार्टी हाउस के मालिक के द्वारा दुकान को डेली खोला जा रहा है और मीठा मिष्ठान के सभी पकवान बेचे जा रहे हैं और वहीं पर खड़े होकर खिलाया भी जा रहा है। उस वक्त एक ग्राहक साबूदाने के बड़े खा रहा था, तब इल्ली निकल गई और हड़कंप मच गया। लेकिन उन्होंने ग्राहक से बड़े को फिकवा दिया और उसको भगा दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पवार टी हाउस में बिक रहा मिठाई की भी जांच नहीं की गई, क्योंकि लॉकडाउन में सब दुकानें बंद रही, लेकिन खाद्य विभाग के द्वारा कोई भी मिष्ठान की दुकानें में जांच नहीं किया गया और धड़ल्ले से दुकान खोले जा रहे हैं और वहीं दुकान के सामने खड़े होकर बड़े समोसे खिलाए जा रहे हैं। और इल्ली निकल रही दुकानों के पास जब इस विषय में चर्चा करने के लिए गए तो कैमरा में कोई जवाब नहीं दिया। पार्टी हाउस में शूट के लिए गए थे तो उसमें वहाँ बड़े बन रहे थे तो वहाँ कुछ लोग बैठ के खा रहे थे तो मैंने भी लिया तो उसमें एक साबुदाने के बड़े थे तो उसमें इल्ली निकली। तो इल्ली निकली, मैंने दुकानदार को बोला इसमें इल्ली निकली तो मेरे को वो वहीं से गाली गलौज देने लगा और वहाँ से भगाने की कोशिश किया।